तो हम अभी होटल चेकआउट करने के बाद जा रहे हैं एयरपोर्ट टर्मिनल टू, वहाँ से हमारी फ़्लाइट है दिल्ली से श्रीनगर के लिए। गो एयर की फ़्लाइट है, 7:30 बजे है, इसलिए हम 5 बजे होटल से चेकआउट करके करीब 5:30 बजे एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। मैं लगा था काफ़ी भीड़ होगा पर उतनी ज़्यादा थी नहीं, तो हम जल्दी से ख़त्म हो गया सारा बैग ड्रॉप करके। सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद हम लोग चले गए अपने गेट की तरफ। चलो, ये है मेरे हस्बैंड। चलो सीट है, मेरे हस्बैंड हैं आगे आगे जा रहे हैं और मैं उनके पीछे। हमारा गेट नंबर 32 और सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद गेट की तरफ ही जा रहे हैं। गेट नंबर 32 33 हमारा है 32। हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा लेट में जाएंगे क्योंकि बोर्डिंग तो स्टार्ट हो गई थी पर ऑलरेडी इतने लाइन में लोग इतने लोग लगे हुए थे कि हम सोच रहे थे कि तो ख़त्म हो जाए फिर हम जाएंगे। बहुत नींद आ रही थी क्योंकि कल से आए थे हम लोग और अच्छे से मैं रेस्ट भी नहीं कर पाई थी, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से फ्लाइट टेक ऑफ हो जाए और मैं मुझे थोड़ा सोने के लिए टाइम मिल जाए। टेकऑफ होने के कुछ देर बाद ही मैं सो गई क्योंकि मुझे बहुत जो नींद आ रही थी और सुबह से 5:30 बजे की फ़्लाइट 7:30 बजे की फ़्लाइट थी सॉरी, तो सुबह 5 बजे से उठ के आ गए थे एयरपोर्ट, इसलिए अच्छे से सो नहीं पाए तो मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं तो सो गई।
बाहर का तरफ मेरा ध्यान गया तो देखा कि नज़ारा कुछ इस तरह था। फ्लाइट से उसका व्यू इतना अच्छा आ रहा था। अभी पहुंच गए श्रीनगर और ठंड बहुत ज़्यादा थी बाहर। फ्लाइट में ही अनाउंसमेंट कर दिए थे कि बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री। फ्लाइट से निकले तो पता चला कि कितना ज़्यादा ठंड था। श्रीनगर एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खूबसूरत हमने जो कैब बुक किए थे वो पहले से ही आके हमारा वेट कर रहे थे। कितने नंबर बेल्ट वाला है? 2। अभी हम बैग लेने के बाद यहाँ पे एक मैंडेटरी कोविड टेस्ट, तो वही कोविड टेस्ट करके ही बाहर जाएंगे। बाहर हमारे कैब ड्राइवर ऑलरेडी बहुत टाइम पहले ही आके वेट कर रहे हैं। जहाँ से हमने हाउस बोट बुक किए हैं, कैब भी उन्हीं से ही बुकिंग किए हैं, कैब भी उन्हीं का है। तो मेरी बात हुई थी ड्राइवर से तो वो ऑलरेडी बाहर है। हमें सारा प्रोसीजर ख़त्म होके जल्दी से बाहर। अभी हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं और वो जो पहले आगे जा रहे हैं वो कैब ड्राइवर है जो कि वेट कर रहे थे हम लोग का, और उनके पीछे में हस्बैंड। बहुत ठंडा बहुत है, इतनी ज़्यादा थी एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद तो और ज़्यादा ठंड लग गई थी। ज़्यादा ठंड थी बाहर। तेरे ग्लोव्स अच्छे आ रहा, मैं धीरे धीरे क्यों सुकून दे कि हम जा रहे हैं हाउस बोट के लिए, क्योंकि जब फर्स्ट डे का हम लोग का श्रीनगर में स्टे था तो हमने हाउस बोट में बुक किया था, तो स्वान ग्रुप ऑफ हाउस बोट। तो आज का स्टे हम लोगों का हाउस बोट में ही है और फिर नेक्स्ट गुलमर्ग, फिर पहलगाम।